निकाल अभी आगे 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 सामने आप रन किया है करूंगा कि आप ताहिर भाई को बिल्कुल भारी मत से जिताइए क्योंकि ताहिर भाई बहुत एक जबरदस्त जितना ने आपके लिए बहुत काम कर चुके हैं पहली टाइम आप ताहिर भाई को जिताइए कांग्रेस पार्टी को जिताइए फिर यहाँ पे आपका डेवलपमेंट वाले तो बुरे मुंशी साहब कह रहे थे कि मैं इंटरनेशनल स्टार हूँ और ये यहाँ के स्टार है तो मुंशी साहब से एक ही कहना चाहूंगा सर आप जो स्टार बने पब्लिक की वजह से बने मैं भी पब्लिक की वजह से ऊपर दूसरा कोई स्टार आपको नीचे बनाएगा तो आप नीचे स्टार बनेंगे ऊपर से लाइन टेढ़ी आएगी तो कुछ होगा नहीं ऊपर से लाइन टेढ़ी ना जब भी जाके फायदा हो तो मैं बहुत खुश हूँ निजामबाद में आके क्यों मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ मेरे ख्याल में इससे पहले भी 2014 में मैं आया था मुझे इतना याद नहीं है इतना क्लियरली याद नहीं है पर लेकिन 1981 में आया था मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो हम यहाँ पे मैच हो रहा था कोई ग्राउंड है मेरे को पता नहीं याद नहीं है मुझे हमारा मैच हुआ था तो हम लोग कर्नाटक के साथ मैच था मेरा सेकेंड रणजी ट्रॉफी मैच था मेरे ख्याल में बहुत से लोग छोटे थे पैदा भी नहीं हुए बहुत से लोग आप लोग ने शायद ताहिर भाई नहीं देखा मैंने फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया फर्स्ट बॉल पे जीरो पे आउट दो बोले थे अरे अजहरुद्दीन अच्छे प्लेयर बनेंगे और यहाँ पे लोग कहने लगे क्या भाई जीरो पे आउट हो गया आप कैसा है क्या तो भी हो रहा है क्या बोला कुछ बोल तो नहीं सकता मैं अब जीरो पे आउट हो गया आउट हो क्या कर सकते हैं लेकिन ताहिर भाई को आउट मत करना प्लीज 33 ईयर्स के बाद रखन में ताहिर भाई को फिर यहाँ से टिकट मिला निजामबाद से तो मैं 33 साल पहले मेरा एक रिकॉर्ड हुआ था 300 किया था मैं पहले 3 मैच में मैं 300 किया था मेरे ख्याल में बहुत से लोग को पता नहीं होगा छोटे छोटे से होंगे या पैदा भी नहीं हुए होंगे पर लेकिन अब सुनिए ना मेरी बात आगे भी सुनोगे लेकिन मैं चाहूँगा कि वो रिकॉर्ड आप ब्रेक कर देना प्लीज मेरा रिकॉर्ड अगर ब्रेक हुआ जब भी ब्रेक हुआ जब आप ताहिर भाई को जिताएंगे वो रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड कायम होगा और वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा आप चाहे तो भी नहीं ब्रेक कर सकते मैं भी नहीं ब्रेक कर सकता अल्लाह चाहे तो फिर वो तो नहीं बट जी जी हाँ अब ताहिर भाई मारेंगे सेंचुरी आपके लिए नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि निजामबाद इतना ज़्यादा दूर नहीं है आने में हमको खाली 3 घंटे ही लगे लेकिन मेरे काफ़ी लोग यहाँ पे सुना है कि मेरे बहुत से फैंस हैं तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और जो हमारा रोड शो जो 5:30 से चल रहा था तो काफ़ी लंबा रोड शो था मैं हमें कहूँगा कि ये सेकेंड बेस्ट रोड शो था मेरे लाइफ का क्योंकि कंटिन्यूसली लोग साथ थे और कंटिन्यूसली लोग ये कह रहे थे कि ताहिर भाई जीतेंगे कहीं हाँ जहाँ पे भी हम रुक रहे थे जहाँ पे भी गुलपोशी हो रही थी जितने भी लोग मिल रहे थे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी रैलीज किया और काफ़ी रोड शोज किया तो मुझे थोड़ा सा पता हो जाता है लग जाता है कि कोई जीतने वाला कैंडिडेट रहेगा तो लग जाता है तो मुझे ऐसा लगा कि लग रहा है कि और ताहिर भाई यहाँ से जीतेंगे ताहिर भाई ने कहा कि अगर आप मुझे जिताएंगे ये क्या बात हुई जिताएंगे क्या भाई ऑलरेडी जीत गए जिताएंगे बोलने की जरूरत है मतलब आप लोग में डाउट है डाउट तो नहीं है ना कोई भी डाउट नहीं ये अपने आदमी है आपको दिलाना पड़ेगा और ये बोले टिकट मैंने दिया मैंने कोई टिकट नहीं दिलाया अल्लाह की तरफ से इनको टिकट कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हमें ठीक है आसरा होता है इधर से कभी होता है बट लेकिन अल्लाह चाह तो उनको टिकट मिला और अल्लाह चाह तो जिताएगा तो बट आप लोग भी मेहनत करनी पड़ेगी आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह नहीं जिताएगा मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह भी बोला मेहनत ही नहीं कर रहा खाली फ्री में खाओ तो होता ऐसा होता नहीं हो सकता ना
लेकिन मैं बहुत आपके बहुत से लोग टीआरएस के बारे में अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात 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 कर चुके हैं। मैं उसमें ज़्यादा इतना बोलूँगा नहीं, क्योंकि दो तीन चीज़ें बोलूँगा नहीं। जो 12% के बारे में भी जो बात हुई, लोग कह रहे वो उस दिन भी सीएम जो कागजनगर में थे वहाँ पे उनका जो रवैया था वो एक जो नौजवान लड़के के साथ बिल्कुल खतरनाक और बेफजूल बेकार बकवास था। जैसा हैदराबादी लैंग्वेज में क्या बकवा कर रहा है वैसा था, तो बिल्कुल बकवास था। देखिए उनको पता है कि जब 12% उन्होंने अनाउंस किया तो वो 12% वो कभी भी दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपको गुमराह किया, आपसे वोट ले लिया और कह दे कि 12% मैं करूंगा, 4 महीने में करूंगा उनका, क्योंकि वीडियो है, आपने वीडियो में भी सुना होगा, वायरल भी हुआ है काफ़ी टाइम, तो आपने सुना है। जब आप जो वादा कर नहीं सकते तो आप बिल्कुल आप बोलना क्यों चाहिए, तो ये एक एक बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है माइनॉरिटीज़ के लिए, एससी बीसी और एससी के लिए, कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी काम नहीं किया, बिल्कुल जीरो काम हुआ है। और मैंने जब बोर्ड शो करते आ रहा था तो देख रहा था कि जब जो माइनॉरिटी जो एरियाज है वहाँ पे कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और कोई रोडे गड्ढे गड्ढे रोडों पे, और बिल्कुल अगर आप देखें तो घर के सामने से खुली नालियाँ बह रही है, सब में खतरनाक चीज़ है। उस घर के सामने से जो नालियाँ बहती वो बहुत बहुत खतरनाक है, और इतना गंदी चीज़ होती है और इतने बीमारियाँ होते हैं उसके, उससे आप बिलीव नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने पहला काम जब मैं मुरादाबाद में एमपी बना था तो मैंने ये पूरी नालियाँ बंद करने का काम किया था, और अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर नालियाँ बंद हो चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब में पहला काम जो करेंगे हेल्थ के लिए, सेहत है तो हर चीज़ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप कितने भी मिलियनेयर बन जाओ, आप कितने भी गोल्ड रहो प्लेट रहो कुछ भी रहो, उसके बगैर अगर सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो मैं ताहिर भाई से ये गुजारिश करूँगा कि जब इंशाल्लाह एमपी हमने एमएलए बन के आएंगे तो आपके लिए वो पहला काम करेंगे। मैं ताहिर भाई अगर आपको कोई रुकावट होगी तो उसमें मुझे बताना, मैं करूँगा। मैं माइनॉरिटी के लिए आप लोगों के लिए मैं यहीं पे हूँ। माइनॉरिटी इश्यूज में पूरे जो भी रहेंगे आप मेरे को बताइए, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और हमको जो जिस जगह पे हम ऐसा नहीं पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करना है। और मैं जितने भी नौजवान लड़के हैं यहाँ से उनको कहूँगा कि आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हमारे को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते। इंशाल्लाह मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा जरूर, आपका सपोर्ट रहेगा। मैं माइनॉरिटीज़ के लिए अपने लोगों के लिए जो चाहे मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा अपनी तरफ से। और कोई भी शिकायत होगी कुछ भी रहेगा तो मुझे बोल सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तेलंगाना में कुछ करना चाह रहा हूँ, अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाह रहा हूँ। तो दूसरी बात ये थी कि वो जो शादी मुबारक की जो स्कीम है 1 लाख रुपए दे रहे, तब तो कांग्रेस आएगी तो 2 लाख देगी कांग्रेस पार्टी। जो महाकुट में जब आएगी 2 लाख आपको देगी, वो भी जो पैसे मिल रहे हैं आपको शादी मुबारक के 1 लाख के, वो भी माइनॉरिटी फंड से मिल रहे हैं। जो माइनॉरिटी फंड जो यूज दूसरे चीज़ों में करना जा रहे थे वो उसमें यूज नहीं हो रहा माइनॉरिटी फंड, और गवर्नमेंट बोल रही है हमने 1 लाख रुपए शादी मुबारक दे रहे, कहाँ से कोई अलग कोई फंड करके नहीं दे रहे। जो माइनॉरिटीज का जो 2000 करोड़ का जो फंड है उसमें से ही दे रहे, तो उसमें जगह 3-3 महीने के बाद अभी भी कितने बिल्स है, कितने भी पेंडिंग है बिल्स, लोग को मिलते नहीं है पैसे। ठीक है मैंने स्कीम है क्योंकि लोग को फायदा हो रहा है, बट लेकिन जो फायदा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। बोलते कि 3 महीने के बाद मिलेंगे, अगर कोई किसी को अगर शादी करना है 1 लाख रुपए पहले उसको लेना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो खर्चा लेना पड़ेगा। उम्मीद में रहेगा कि मेरे को 3 महीने के बाद मिलेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप जैसा देख रहे हैं तो वैसा लोग बोलते होते हैं काम नहीं करते, क्योंकि टीआरएस पार्टी अब यहाँ पे जो आपके एमपी है उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। क्या काम किया मैंने देखा है तो घटे घटे, इतने कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उसमें एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं, बड़े बड़े बातें करते हैं बोले कि हम क्या कुछ बोले थे ना, हाँ कबूतर है हम कभी भी चारा डालेंगे वैसा है। आप बिल्कुल कबूतर को आने नहीं देना, चारा ही मत डाली हो कबूतर बिल्कुल। मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि हमारे बारे में ऐसा कोई बोल नहीं सकता बिल्कुल। हम अगर मुसलमान परिंदों की तरह तो हम नहीं, हम परिंदे हम बराबर उड़ेंगे और उड़ के मारेंगे भी। उसके बारे में बोला था बिल्कुल गलत है ना, ऐसी कोई बात नहीं करते। हमारे बारे में क्यों ऐसा बात करना चाहिए, हम भी हम बात करने देते, हम एकजुट होना चाहिए, हम लोग मिलके जुलके अगर काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे नहीं, अगर फॉर एग्जांपल ताहिर भाई आगे बढ़ना चाहे तो हम क्या करते हो ताहिर भाई को पीछे, हमें अल्लाह के वजह से समझ कीजिए, क्योंकि क्यों क्या आपके लिए आपको कोई आदमी बढ़ता है तो हमारे आदमी को लीडरशिप बननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोग बात करना चाहिए, तभी हम चाहते हैं आगे बढ़ना। लेकिन जो गवर्नमेंट जो है टीआरएस की गवर्नमेंट पूरे हर उस पर फेल हो चुकी है। देखिए आप लोग ने जब वोट दिया इनको तो 5 साल चलाने के लिए दिया ना,
अब वो नौ महीने पहले ही गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे रहे हैं, इसका मतलब है वो डर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अभी चलो जल्दी भाई इलेक्शन करा दो, अब हमको जल्दी घर भिजा दो, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम मई में इलेक्शन करेंगे तो बहुत और ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा सीटों से हार जाएंगे, तो अच्छा मौका है कि अभी करा दो, हमको भिजा दो जल्दी फार्म हाउस में भिजा दो, क्योंकि सीएम जो खाली फार्म हाउस में रहते हैं और क्या काम करते हैं बताइए, कुछ काम नहीं करते। अभी सेक्रेटेरिएट में चार दिन भी बराबर सेक्रेटेरिएट में नहीं गए, और वो सेक्रेटेरिएट बना निजाम के ज़माने से बना है, निजाम तो निजामबाद है ना उनके नाम से होता, तो निजाम ने बनाया था वो सेक्रेटेरिएट में उतरे, वो खराब है उसे, और इतने चीफ मिनिस्टर वहाँ से काम कर चुके हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर चुके हैं, इनको लगता है कि अच्छा नहीं है, अपने घर में फुल एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े घरों में बैठते हैं, और दो सौ करोड़ का तो घर बना लिए आने से पहले, तो लोग गए कि आप जाके देखिए घर को, घर में रहने को रहना नहीं, खाना नहीं खा सकते और इतनी गंदी हालत में रहते, अब इतने बड़े महल में रहकर फायदा ही नहीं है इसका, इसकी पूरी पूछ होनी चाहिए, आप लोग इनको पूछना चाहिए क्वेश्चन, आप लोग जब भी इनको पूछ सकते हैं कि जब आप वोट डाला के हराना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटीज है एस सी बी सी एस टी को करूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफा एक तरफ जुड़ के पूरा कांग्रेस की और महाकुटुंबी के लिए वोट डालिए, आप देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो भी जितना भी डेवलपमेंट हम इंडिया में हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का ही हुआ है, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर रोते गए रहे क्या करें 60 साल में कुछ भी नहीं करे, जब बताइए 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला उससे पहले कौन सी पार्टी थी, ना बीजेपी थी ना टीआरएस थी ना कोई अन्य कोई पार्टी नहीं थी, खाली एक कांग्रेस पार्टी थी, वही कांग्रेस पार्टी ने लड़ी और आगे बढ़े, जवाहरलाल नेहरू जैसे इतने बड़े लॉयर और एजुकेशन थे और इतने रईस आदमी थे, उन्होंने अपनी पूरी वो छोड़ के तो इंडिया के लिए आया, और मैं खाली 3000 दिन खाली जेल में थे, अब बताइए कौन सा लीडर यहाँ पे आपके जेल में जा सकता है, 3000 दिन रह सकता, 2 दिन जेल में जा रहे तो मर जाते हैं, लड़ने लगते हैं, भूखा रहे भाई कूदने लगते, एसी नहीं है, टीवी नहीं है, फोन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या था, कुछ नहीं था, खाली जेल में बैठे रहते थे बट अपना काम करते थे, फिर भी उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया, तो मेरे ख्याल में आप लोग बिल्कुल ये सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से यंग बच्चे उनको मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा मालूम है, आपको एजुकेट होना चाहिए इसके बारे में कौन क्या किया है। अब आज बड़े सेंटर में भी जो मोदी साहब है उन्होंने ऐसे बड़े बड़े बातें करते कि हम 15 लाख दे देंगे, हम अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे ही नहीं, कभी आएंगे अच्छे दिन, अभी भी अच्छे दिन बीजेपी सरकार में कभी अच्छे दिन आ ही नहीं सकते, मैं आप लिख लिए मैं गारंटी बोल के देता हूँ, क्या कोई डेवलपमेंट है, वो कितने फॉल्स प्रॉमिस, ये प्रॉमिस करे वो प्रॉमिस करे, रफाल डील में गए आप देखिए अनिल अंबानी को 30-40 हज़ार करोड़ का फायदा मिला, क्या क्या खा लेंगे क्या 40 करोड़ तो मुंह कितना भी खाएंगे तो बस नहीं, बस कोई अगर लोगों में अगर खर्चा करेंगे तो कितना फायदा होता है। अभी जो इलेक्शन जो हो रहा है, अभी जो स्टेट का इलेक्शन, आपको बहुत कम जनों को मालूम होगा कि 2,500 से 2,500 रुपये स्टेट को देना पड़ेगा इलेक्शन करने के लिए, अगर वही इलेक्शन मई में अगर करते तो मेरे ख्याल में 2,000-2,500 रुपये कहीं दूसरी जगह आप खर्च कर सकते, लोगों को गरीबों को फायदा उठा सकते, आप इलेक्शन में खर्चा करें, अगर जब 2019 में करते तो मेरे ख्याल में सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पूरा इलेक्शन देखती थी, बट ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आप देखिए, आप तो कैसे कर सकते, आप लोग को कुछ सोचना चाहिए, आप लोग को बिल्कुल, आप लोग बड़े लोग हैं, अच्छे जवान हैं लोग, आप समझ है आजकल ऐसा जमाना, इंटरनेट है, हर चीज आप लोग जाके देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, पहले जैसा नहीं है, पहले लोग जैसा आते ब्लाइंडली वोट करते थे, आप आजकल ब्लाइंडली ऐसा वोट नहीं हो रहा, और आप बिल्कुल खुदा के वास्ते पैसे लेके वोट मत करिए प्लीज, मेरी एक अदबन मीन्स क्या अभी चुपके भी बोलो बोल तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सब में नीच हरकत है, और मैं चुनाव कितना सही है बता नहीं, 2,000 रुपये, अब 2,000 रुपये कितने दिन चलेंगे आपको बताइए, 5 साल तो नहीं चलते, एक दिन में खत्म हो जाते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं पर तो बिल्कुल आप देखिए, जो ऐसी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए जो आपके लिए फायदा मंद हो, आपके लिए काम करेंगे, तो टीआरएस को अगर आप वोट डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, 100% बीजेपी को वोट डाल रहे हैं, क्योंकि मैं कहूँगा देखिए आज केसीआर साहब मोदी साहब को गालियां देते, मोदी साहब केसीआर साहब को गालियां देते, अमित शाह में दोनों लड़ी चलती है, बस रात में दोनों फोन कर लेके बोले थे अरे भाई आज जबरदस्त गाली दिया तुमको, अच्छी पसंद है क्या नहीं, तो दूसरा जरा भी पूछा हाँ यार पसंद है, मेरी पसंद है कि नहीं, तो ऐसे हो रहा है, जो मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, देखिए इससे पहले तो कभी भी अपना केसीआर तो गाली नहीं दे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, जीएसटी में बीजेपी को सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया, और कहते कि आज गालियां दे रहे कि नहीं बीजेपी ऐसी है बीजेपी ऐसी है, जो जैसी भी है वो है उनकी तरह है, बट लेकिन देखिए हमको हमारी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, हम क्या हो जाता है बाद हम इतना डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने चीज़ों से दूसरी तरह देखना चाहते हैं, हम हमारी घर में अगर झांक के देखें हम तो हम बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यही आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो टीआरएस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, एक पार्टी फेल हो चुकी है,
और अपने आदमी ठहरे हुए हमें ताहिर भाई इतने होनहार आदमी है, इतने बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है इतना, और इतनी इनके सारी है और इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है उनका आप लोगों के सामने, और इतना घूमते हैं और इतना ये खुद कह रहे हैं, देखिए मैं आपसे हाथ कंधे को कंधे लगा के करूंगा आपके आपके प्रॉब्लम में, आपकी खुशी में, उसमें। तो आप ऐसे आदमी को आगे बढ़ाइए, ये क्वेश्चन करेंगे तो बराबर आंसर तो देंगे आपको, तो आंसर क्वेश्चन करेंगे तो बैठ रहे तेरे बाप को बोलूंगा, ये बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आपके काम आपके लिए ठहरे हैं भाई, अल्लाह ने इनको टिकट दिया है, मैंने आपको जिताइए आप लोग भाई पूरे जितने भी लोग हैं, देखा अब इनको जिताना मैं मेरे को जिताना है, उससे ज़्यादा क्या होगा भाई, नहीं तो फिर मैं समझूंगा अरे भाई क्या खाली अधूरी दिन आए अरे खालियाँ मिटाली चले गए, ऐसा नहीं चाहिए, कितने जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे हुए हर आदमी वोट डालना चाहिए, ताहिर भाई वोट डालना चाहिए, एक भी वोट आप जाया नहीं करिए, जितना ज़्यादा वोट आप लोग निकल के करेंगे मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा होगा। हाँ हाँ अच्छा सीएम के जो आपके एमपी बोले ईमानदार है बोले तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, अभी हम सीएम की बेटी है भाई, बहुत बड़ी 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 चीज़ है, तो ताहिर भाई के लिए तारीफ किया तो मैं कौन होता हूँ तारीफ करने वाला, मैं तो मेरे बात एमपी का भी सर्टिफिकेट मिल गया तारीफ, तो मेरे ख्याल में खाली बचा हुआ है आपका सर्टिफिकेट मिलना, आप क्या सर्टिफिकेट देंगे वो 7 तारीख को आपको बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है जुम्मे का दिन है, मेरे को मालूम है लोग लेट उठते हैं आराम से, अरे भाई आज जुम्मा है ना जरा आराम से, तो सब खुदा के वास्ते दस जुमेरात के दिन जल्दी सो जाओ आप लोग प्लीज, एक दिन के लिए जल्दी सो जाओ और सुबह उठिए पहला पहली फुर्सत में जाकर, कितने 7 बजे खुलता है, 7 बजे आप जाइए पूरा लाइन लंबी लंबी, यहाँ जैसा लोग है बूथों जितने भी पोलिंग बूथ पे पूरे ऐसी लंबी लाइन रहना चाहिए, और नंबर 1 बटन को दबाना चाहिए और वो नंबर 1 ही रहना चाहिए, नंबर 1 कोई बटन दबाना चाहिए और वो नंबर 1 रहना चाहिए, अगर नंबर 2 हो गया तो अभी मैं बात नहीं कहूँगा, बिल्कुल नाराज हो जाऊंगा फिर निजामबाद नहीं आऊँगा मैं आपको सही सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका फर्ज है, हमारे इतने वोट है माशाल्लाह से, अगर एक तरफा वोट डालना चाहिए आप लोगों सब जाना, बिल्कुल देखिए बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आप स्पष्ट सही बात बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि इनको जिताएंगे ये काम करेंगे, मेरे से भी काम लेंगे, मेरे को भी सताएंगे आके अरे भाई अदर भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मैं बिल्कुल करूँगा आप लोगों के सामने हूँ, मैं आप लोगों के काम के लिए हूँ, क्योंकि जो लेडीज है जो जितने भी आज यहाँ है नहीं उतने लेडीज घरों में है हम लोग मेरे ख्याल में सुन रहे शायद, मैं आपको सलाम करूंगा बोलूंगा कि आप सुन रहे हैं बिल्कुल, जितने भी खवातीन हैं उनसे भी यहाँ पर भी इधर भी है, मैं उनको बहुत बहुत वो कहूँगा कि आप भी आप लोग भी सुबह सुबह जल्दी जाके क्या बोलते हैं सब वोट करिए, क्योंकि आप खाना जल्दी सुबह में मत पकाइए क्योंकि गैस सिलेंडर भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो एक दिन थोड़ा कम करिए सुबह में, पहले वोट डालिए उसके बाद में गैस चूल्हे ऑन करिए, क्योंकि पहले गैस की जो प्राइस कितनी कांग्रेस पार्टी में 350 450 या 350 थी, आज 1100 के ऊपर हो गई, तो देखिए बिल्कुल ये जो अब ले इसका मतलब है आप खवातीन को भी सता रहे, ठीक है आदमी को तो सता रहे बट लेकिन खवातीन को भी सता, जब खवातीन को सताए तो बहुत खतरनाक होता है, गैस सिलेंडर भी अच्छे गैस सिलेंडर फ्री भी दिए थे कांग्रेस वाले, और वो जो आरू गैस श्री जो हुई थी आज वो बनी कर दी, वो लोग यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि आज इतना अच्छा था राजशेखर रेड्डी साहब ने जो बहुत जबरदस्त चीज किया था, राजशेखर रेड्डी साहब ने जब सीएम थे उन्होंने जब 5% जब रिजर्वेशन दिया था बट लेकिन कोर्ट में किसी ने जाके कोई कोर्ट ने केस किया था तो अपने कोर्ट ने कहा कि नहीं 5% नहीं होता 4% होता, आपको 4% तो मिला ना, ऐसा आपके यहाँ पे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, जीरो मिला, जैसा कपिल शर्मा के शो में होता ना वो बताऊंगा नहीं मैं क्या बोलता, ऐसा मत करिए बिल्कुल, शादी मुबारक में आप देखिए कल आप भाई साहब ने भी कहा कि मैं भी कह रहा हूँ कि 2 लाख आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, पहले मिलेंगे इंशाल्लाह, बाद में नहीं मिलेंगे, जैसे आप करिए उसके बाद में इंशाल्लाह, और राहुल जी ने बहुत बहुत प्रॉमिस किया है, आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी, और चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी काफ़ी दो बहुत महान लीडर दोनों जुड़ चुके हैं, उसके साथ फिर CPI है, फिर कोदंडाराम साहब भी है, तो देखिए एक टीम वर्क होती है, जब टीम अच्छी होती है तो ज़्यादा मैचेस जीती, जैसे इंडिया जीत रही नाम जैसा मैचेस देखिए टीम अच्छी होती है, खाली शायद इंग्लैंड में हार गए बट जितना भी मैचेस होते जितनी टीम अच्छी होती तो हम टीम मैच जीतती है, क्योंकि हमको मिलजुल के खेलना पड़ेगा, और एक के अबार एक को एक काटेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो हम मिलजुल के करिए तो महाकुटुंबी के लिए वोट करिए, और यहाँ पे क्या बोलते नंबर 1 बटन पे वोट करिए, ताहिर भाई को जिताइए,
मैं आप लोगों से फिर इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। मैं ताहिर भाई को ये भी कहूंगा कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ज्यादा मैचेस खिलाते नहीं है, जब हैदराबाद में आते तो डिस्ट्रिक्ट के लड़के जो होते हैं ना, क्योंकि मैं मुझे याद है यहाँ से एक लड़का बरहाल में बलराम रेड्डी बोल के था जो मेरे साथ खेलता था, वो डिस्ट्रिक्ट का था, बहुत अच्छा था, लेफ्ट आर्म बैट्समैन था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था। अगर वो कहीं भी है तो मैं उसको हेलो बोलता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मेरा पहुँचा देना अगर कभी मिलेंगे तो। मेरा बहुत खास दोस्त था उन्हें, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट से था। उस टाइम पे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद खेल रहा था, मैं तो मेरे को भी आउट कर दे बाहर। तो अभी मैं बोल सकता हूँ, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद में भी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का जितने भी सपोर्ट चाहिए जब होगा, हम जरूर डिस्ट्रिक्ट के पूरे तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के जो भी अच्छे प्लेयर्स होंगे हम उनको लेंगे, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन आज का जो एसोसिएशन है, जो विवेक साहब हमारे प्रेजिडेंट थे, खाली आ रहे हैं बड़े बड़े बातें करके चले आ रहे हैं, खाली चाहे TPL अपना हैदराबाद प्रीमियर लीग करा लिए, पूरे अमीर लोगों में टीमा खरीद ले रहे, अमीर लोगों कमा रहे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को जरूर मौका दूंगा, क्योंकि अगर आप अगर देखेंगे सिलेक्शन में एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा भी हैदराबाद में नहीं खेलता। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि आप बच्चा के लिए मेहनत करिए, अगर आप जो भी मेहनत जिसमें कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे तो अच्छा के लिए, या पढ़ाई कर रहे तो अच्छा पढ़ाई करिए, क्योंकि मेहनत करने में ही आपको फ़ायदा है, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं जितने भी लोग आप लोग आए, मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, मेरे ख्याल में 9:15 हुए, मैं 7:30 खाने वाला आदमी आज आपके लिए और ताहिर भाई के लिए देर में खाऊंगा, कोई बात नहीं। मुझे मेरे ख्याल में आप लोग को भी भूख लग रही होगी, जरूर बिल्कुल भूख लग रही होगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का इतने आए, और आप लोग इतना क्या बोलते सो रोड शो में इतना ज़्यादा मैं जो शुक्र से किए, मैं आश्चर्य से बात हूँ, जो जो भी इनके कांग्रेस के लोग आ रहे हैं आपको बोल रहे हैं उनके बारे में, बिल्कुल उनके बहकावे में मत आइए, बिल्कुल देखिए हम आते बोले कि हमारे कान में रोई हम नहीं सुन सकते। जब घोड़ा जब होता है अगर आप घोड़े को अगर देखेंगे तो उसके दोनों साइड तो घोड़ा इधर उधर देखता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको भी सीधा देखना चाहिए, नंबर वन की तरफ देखना चाहिए, नंबर वन आपके पास नंबर वन है, आपके पास नंबर वन है तो हम नंबर टू को क्यों देख रहे हैं, नंबर वन को ही देखिए ना। अल्लाह ने आपको इतना एहसास दे के नंबर वन पे लेके आके रखा है, आप नीचे क्यों जाना चाहते हैं। टीआरएस के कोई नुमाइंदों से बात करें, कुछ भी बात नहीं की बोले के हमारे कान में रुई है हम नहीं सुन सकते, ऐसा बोल देते ठीक है, बता रहा हूँ कि ऐसा करना मुझे। बट लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों ने इतना पेशेंस से सुना, मैं अपने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दी, और मैं समझता हूँ जितने भी जब मैं खेलता था जब भी आपकी काफ़ी दुआएं थे, उसकी वजह से मैं आज आपके सामने ठहर के बात कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा स्टार उस्टार नहीं हूँ, आप मेरे को अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन स्टार के जैसा देखेंगे तो पिक्चर में डॉन में डायलॉग है, देखिए अजहरुद्दीन को मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, तो वैसे होगा। अगर आप अजहरुद्दीन को अपने जैसा अपने वैसा आदमी देखेंगे तो मैं आपके सामने हूँ, अगर स्टार को देखेंगे तो मिलना बहुत मुश्किल है। स्टार कहाँ मिलता है, उसके ऊपर रहता है स्टार, मौलाना मिल जाएंगे आपको। मुझे बहुत बहुत खुशी आप लोग जितने भी लोग हैं मंच में, मैं जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और उन लोग ने काफ़ी मेहनत की, इतने दिन से जब से इलेक्शन आना हो तो उन लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और आप ऐसी मेहनत करते रहिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको कांग्रेस के लिए यूज करके लिए, और आप दुआ जैसा कि भाई साहब ने भी कहा था कि फ्राइडे के दिन आप वोट डालिए, फिर जुम्मे के दिन नमाज पढ़िए, उसमें दुआ करिए कि ताहिर भाई जीतेंगे, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपके पास आऊँगा। और यहाँ पे जो ग्राउंड है इंशाल्लाह मैं ताहिर भाई को कहूँगा कि वो ग्राउंड में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करें और अच्छे ग्राउंड बनाए आपको अच्छे खेलने का दिखा दे। बट लेकिन आपको जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं और हाथ हाथ उठा के कहिए कि ताहिर भाई को वोट डालें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और मैं जाने के लिए आशा नहीं कर रहा।